हेलो दोस्तों मैं मोहम्मद सरफराज मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है आप ई लर्निंग विद दुर्गेश नाम से यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर अनएकेडमी एंड टेलीग्राम इन सभी पांचों छवों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज हम जैसा कि भारत भूगोल का सीरीज चल रहा है और आज हम भारत भूगोल के भौतिक अध्ययन में तीसरे अध्याय में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भारत के भौतिक विषय में पढ़ेंगे कि दर्रा भारत में कौन से दर्रे हैं कहाँ कहाँ है और उनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वह कैसे बनते हैं ये जरूरी नहीं है कि जो दर्रा है वह कहाँ है किस पहाड़ी में है इससे पूछा जाए उसे बहुत सारे बजा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है वह पर्वत श्रेणी जो भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है तो यह पीछे भी प्रश्न आ चुका है अरावली पर्वत श्रेणी भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है।, है आगे देखते हैं हम जो जोजिला दर्रा जोड़ता है तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है यदि आप दर्रा को एक गहन अध्ययन के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेस में जाएँ वहाँ पे प्ले में आपको भारत भूगोल का एक सीरीज मिलेगा उसे खोल आप पढ़ सकते हैं आगे हम देखते हैं प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को दर्रा कहा जाता है यह है डिफिनेशन है ये दर्रा का यह डिफिनेशन है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को दर्रा कहा जाता है आगे है तिब्बत से सॉरी शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है तो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग शिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है रोहतांग दर्रे का निर्माण होता है तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल तेड़ी में है जो जिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है यह इसके गाज द्वारा निर्मित है आगे हम देखते हैं तो यहाँ प्रश्न है शिपकिला दर्रे का निर्माण हुआ है तो शिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है आगरा देते हैं मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी जाने का मार्ग गुजरता है तो ये नीति दर्रा से होकर गुजरता है आगे देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे दिए गए हैं और वह किस राज्य में है उसके बारे में दिया गया है देखिए यहाँ पे है माना दर्रा तो यह उत्तराखंड में है नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है थाल घाट भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है पालघाट केरल में है बुमला तिब्बत एवं अरुणाचल के बीच में है शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है आगे हम देखते हैं तो आगे है जोजिला तो जोजिला कश्मीर और लद्दाख के बीच में है बारामूला दर्रा कश्मीर और पाकिस्तान के बीच है नाथुला दर्रा सिक्किम एवं तिब्बत के बीच है जेलेपला सिक्किम एवं तिब्बत के बीच बाड़ा लाचाला कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के बीच है आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकार नाम सूचक था तो रत्नाकार जो नाम है उसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को मदुरे जाने वाला रास्ता पालघाट दर्रा से होकर गुजरता है आगे देखते हैं सतलज नदी भारत के किस दर्रे के सहारे प्रवेश करती है तो सतलज नदी भारत में शिपकिले दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है जो हिमाचल प्रदेश में है आगे देखते हैं हम सिपकिला दर्रा किन किन देशों की सीमा पर अवस्थित है तो सिपकिला दर्रा चीन और भारत की सीमा पर अवस्थित है आगे हम देखते हैं कौन सी घाटी को पृथ्वी पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश को भारत में पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है आगे देखते हैं कुल्लू घाटी कौन कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल जो हिमालय का महान हिमालय का पहाड़ी है उसके बीच स्थित है आगे देखते हैं किस घाटी को हार्ट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है तो युथांग घाटी को हार्ट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है तो नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत स्थित है उत्तराखंड के कुमायू क्षेत्र में स्थित माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तो यह कैलाश घाटी को जोड़ता है आगे हम देखते हैं इम्फाल को मेमार से जोड़ता है तो मणिपुर का तुजू दर्रा इम्फाल को मेमार से जोड़ता है कन्याकुमारी को जाना जाता है तो कन्याकुमारी को केप कमोरियन के नाम से भी जाना जाता है चलिए अगले टॉपिक चलते हैं हम तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है हिमालय के दर्रे हिमालय के दर्रों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व तो ये महत्व क्या है देखिए ये दर्रा का नाम है मालकंद दर्रा जो पेशावर को त्रिचाल से जोड़ता है खैबर दर्रा यह पाक अफगानिस्तान सीबा सीमा पर है गोमल दर्रा यह अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है दर्रा यह कंधार से कोटा को जोड़ता है काराकोरम दर्रा यह कश्मीर से यारकंद को जोड़ता है बुजिल दर्रा यह कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ता है जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बनिहाल दर्रा यह कश्मीर इसे कश्मीर का गेटवे कहा जाता है इसे कश्मीर का गेटवे कहा जाता है और यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले मार्ग से गुजरता है जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है शिक्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है बाड़ा लाचाला दर्रा ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है माना एवं नीति दर्रा जो है वह मानसरीवर व कैलाश मार्ग के संयोजक अर्थात उन दोनों को जोड़ता है जलेपला दर्रा यह दार्जिलिंग से तिब्बत को जोड़ता है दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल में है याद रखिएगा दार्जिलिंग जो है पहाड़ी वह पश्चिम बंगाल में है यहाँ पे चाय की खेती होती है भामू दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है आगे हम देखते हैं भारतीय यात्री मानसरोवर झील तथा तो कैलाश घाटी के दर्शन करने जाते हैं तो यह माना दर्रा और नीति दर्रा से होकर गुजरते हैं अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत के प्रमुख शिखर प्रायद्वीपी, सॉरी प्रायद्वीपी भारत अर्थात दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हैं तो सारा मस्जिद यह इसकी ऊंचाई उनतालीस मीटर है यह नागा पहाड़ी की चोटी है यह नागा पहाड़ी अर्थात नागालैंड जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाइडी मुडी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई छब्बीस मीटर है यह कार्डेम श्रेणी के अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई छब्बीस मीटर है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है आगे देखते हैं ब्लू माउंटेन इसकी ऊंचाई इक्कीस सौ इक्यावन मीटर है जो मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर इसकी ऊंचाई सत्तर सौ बाईस मीटर है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है यह माउंट आबू के पास स्थित है आगे हम देखते हैं तो महेंद्रगिरी है महेंद्रगिरी की ऊँचाई पंद्रह किलोमीटर है यह पूर्वी घाट पर स्थित विशाखापट्टनम के पास स्थित है पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी महेंद्रगिरी है धूपगढ़ यह सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और पारसनाथ यह हजारीबाग पठार के पास स्थित है इसकी ऊंचाई तेरह मीटर है चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे है जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है तो यह तिस्ता नदी द्वारा ही जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग होकर गुजरता है तो यह जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है अगला है पीर पंजाल दर्रा स्थित है तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अर्थात पाकिस्तान सीमा की तरफ आगे देखते हैं बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पे है तो वह हिमाचल प्रदेश में है दार्जिलिंग एवं चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग तो यह नाथुला दर्रा से है और नाथुला दर्रा कहाँ पे है तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है ठीक है और जो जितने भी दर्रे हैं इसे आप कापी में नोट कर लीजिए आप कालम बना लीजिए एक तरफ दर्रे का नाम लिख लीजिए फिर वह दर्रा किस राज्य में है फिर एक कालम बनाइए किस पहाड़ी के मध्य स्थित है और कहाँ से कहाँ के स्थानों को जोड़ता है तो चार कालम बना के आप दर्रा लिख लीजिए अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न दर्रा से होता ही है चलिए आगे हम देखते हैं तो अगला प्रश्न है मालाबार तट अवस्थित है तो जो मालाबार जो मालाबार तट है वह केरल राज्य में है ज्वार नदमुख अर्थात ईस्चूरी की विशेषता है तो यह पश्चिमी तटी मैदान की है जो पश्चिमी तटी मैदान होती है वहाँ की नदियाँ बहुत ही छोटी होती हैं और तीव्र गति से बहती हैं इसका कारण है ढाल इस प्रकार वह डेल्टा का निर्माण न करकर एसचूरी का निर्माण करती है आगे देखते हैं वह नदी जिसको प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था तो गंगर नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता था न्यूमुरे गंगा सागर श्रीहरिकोटा बैरन द्वीप द्वीप ये सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है मांडवी जुआरी खाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी स्थित तो है तो मांडवी और जुआरी ये नदियाँ हैं यह गोवा में है आगे हम देखते हैं डेल्टा झील कोलेरू जिन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है वह है तो यह गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है आंध्र प्रदेश का तटवर्ती मैदान जो गोदावरी डेल्टा के मध्य विस्तृत है के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः संज्ञा प्रदान की जाती है तो इसे उत्तरी सरकार और रायल सीमा तट के नाम से जाना जाता है पुलिकेट नामक लैगून झील की विशेषता है तो यह कोरोमंडल तट पर पाया जाता है अष्टमुढ़ी तथा बिंबानाड झील स्थित है तो यह केरल राज्य में है और बिम्बानाड झील बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिताएं होती है आगे देते हैं हम विशाखापतनम का प्राकृतिक पत्तन सुरक्षित है तो डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे यह प्राकृतिक पत्तन सुरक्षित है आगे हम देखते हैं श्री हरिकोट्टा द्वीप स्थित है तो यह आंध्र प्रदेश के निकट स्थित है यहाँ से भारतीय इसरो जो है इसरो इसके जितने भी सैटेलाइट होते हैं यहीं से छोड़े जाते हैं आगे देखते हैं हम लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है तो यह अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अब हम यहाँ देखेंगे भारत के प्रमुख द्वीप और किस सागर में वह स्थित है तो जो लक्षद्वीप है यह भारत के पश्चिम में अर्थात अरब सागर में है कोरिक्रिक निवेशिका द्वीप यह कच्छ केरण अर्थात गुजरात के पास है दीव यह काठियावाड़ के पास स्थित है द्वारका यह अरब सागर में है बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में निकोबार बंगाल की खाड़ी में पीरमदीप खंबास की खाड़ी में सालसेट पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र अर्थात अरब सागर में रामेश्वरम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है अर्थात यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है आगे हम देखते हैं गारो खासी जयंतिया भाग है तो गारो खासी जयंतिया जो है वह दक्कन पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है कुडाई नाल नामक पर्यटक स्थल स्थित तो यह पालनी पहाड़ी पर कुड़ाई नाल नामक एक पर्यटक स्थल है पाटभूमि पाटभूमि पाई जाती है तो यह छोटा नागपुर पठार झारखंड में पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ संकीर्ण और अनुभर्य प्रकार की होती हैं निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट धुलियार है यहाँ आप याद रखिएगा यह अंडमान का नहीं यह निकोबार की सबसे ऊंची छोटी माउंट धुलियार है और यदि अंडमान का पूछे तो क्या है सैडल पिक महाबलेश्वर स्थित है तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मिक्की की पहाड़ियाँ असम में हैं हिमालय के उत्थान का कार्य तीन चरणों के चरण में हुआ तीन चरण में महान हिमालय लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी दक्कन ट्रैप को ट्रैप कहा जाता है क्योंकि यह लावा के प्रवाह के फलस्वरूप यह लावा का उद्गार हुआ और उसका प्रवाह हुआ इससे ही दक्कन का पठार निर्मित हुआ इसीलिए इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है अगला है उसी में है यहाँ सीढ़ीनुमा नुमा आकृति की अच्छाकृति का भी विकास हुआ है चलिए आगे हम देखते हैं तो आगे प्रश्न है भारत के प्रमुख पहाड़ियाँ भारत के प्रमुख पहाड़ी कौन कौन से हैं और इसकी स्थिति क्या है तो देखेंगे हम तो जो कैमूर पर्वत है जो कैमूर पर्वत है यह मध्य प्रदेश में स्थित है मैकाल यह भी मध्य प्रदेश में है अमरकंटक यह भी मध्य प्रदेश में है सॉरी सतपुड़ा यह महाराष्ट्र में है महादेव महाराष्ट्र में है सहयाद्री महाराष्ट्र में है आगे हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी यह पूरा राजस्थान में है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है आगे देखते हैं हम पटकाई बूम यह अरुणाचल प्रदेश में है नागा पहाड़ी नागालैंड में लुसुई पहाड़ी मिजोरम में है राजमहल पहाड़ी बिहार में है अनाइडी तमिलनाडु में है नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तक विस्तृत है गिर पहाड़ी गुजरात में है इलाची पहाड़ी यह केरल में है आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको रट जाना चाहिए अनाइडी है जिसकी ऊंचाई छब्बीस मीटर है आगे देखते हैं हम नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है तो यह पूर्वोत्तर पर्वतमालाओं में है यह मेघालय में गारो काशी जयंतिया यह मेघालय में है शिव समुद्र जलप्रपात पाया जाता है तो यह कावेरी नदी के मार्ग में शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है सबसे ऊंचा शिखर भारत का या विश्व का वह है, है सॉरी विश्व का माउंट एवरेस्ट है भारत का कंचनजंगा है यदि पीकी की बात करें तो केटू भारत की सबसे ऊँची चोटी है आगे देखते हैं प्रमुख हम पत्तन देखेंगे तटीय तो पत्तन अर्थात बंदरगाह जो तट पे, तो पे है तो त्रिवेंद्रम पत्तन जो है वह कोकर तट पे है ओखा जो है कोकर तट पे है मुंबई पत्तन कोकर तट पे है क्विलोन मालाबार तट पे नहावा सेवा मालाबार तट पे कोचीन मालाबार तट पे मारम गोवा मालाबार तट पे और पोरबंदर यह का जो पोरबंदर है यह काठियावाड़ तट पे है कांडला काठियावाड़ तट पे है मानसरोवर झील स्थित है तो यह तिब्बत में है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है यह भारत में पीर पंजाल है आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है तो यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 सौ बाईस मीटर है आगे हम देखते हैं लोकटक लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण सॉरी लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है स्थित है तो यह मणिपुर राज्य में है यह है भारत के सबसे पूर्वी मीठे पानी की झील है यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि सबसे पूर्वी मीठे पानी की झील क्या है तो वह लोकटक झील है जो मणिपुर में स्थित है आगे देखते हैं भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात यह गरसोपा जलप्रपात है जिसे जोग के नाम से भी जाना जाता है भारत में फुल्लर झील स्थित है तो भारत में फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में है बिम्बानाड झील यह केरल में है यहाँ पे नौका यहाँ प्रतियोगिता होती है हमने आपको बता ही दिया है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे और भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जितना मैं बता रहा हूँ इसमें से अधिकतर प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं यह प्रश्नों का जो कलेक्शन है यह वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि इसमें वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कभी एग्ज़ाम में नहीं आता और आप हमारा टेलीग्राम चैनल सॉरी टेलीग्राम हाँ टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ई लर्निंग विद दुर्गेश चैनल ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए आप बिना स्पेस के बिना स्पेस के आपको लिखना है केवल दुर्गेश सर दुर्गेश और स्पेस नहीं रहेगा दुर्गेश सर वहाँ पे आपको हमारा चैनल आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश उससे आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे कोचिंग पे टेट सी टेट सुपर टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है यदि आपको ऐसी तैयारी करना है तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत